लेकिन बस आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, आपने इसे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो डो फोटोशॉप हो, IDM हो या कोई ब्राउज़र हो, ठीक है, उन सबको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स वगैरह, तमाम के तमाम वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं, और हमारे यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आप अपनी वीडियो, ठीक है। बस मेरा नाम अरसलान शरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा ग्राफिक्स X7, जिसका लेक्चर नंबर 55 है। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ड्रॉप शैडो टूल के बारे में। तो अगर आप अपनी टूल बार में 13वें टूल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा शेडो टूल, ठीक है, ड्रॉप शेडो टूल। अगर मैं इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मज़ीद और टूल्स आ जाएंगे, ठीक है। कम से कम 5 टूल्स इसके अंदर और हैं, तो इंशाल्लाह उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आज का लेक्चर है हमारा ड्रॉप शैडो टूल के ऊपर। तो ड्रॉप शैडो टूल आता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी नाम या किसी भी पिक्चर वगैरह को शैडो देने के लिए, आपने उसका देखा होगा साया, किसी भी चीज़ के पीछे जो साया होता है वो देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्टार ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक स्टार ड्रॉ कर लिया। यहाँ स्टार को रहने दीजिए, मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिख लेता हूँ www.lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। ये मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया, ठीक है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, देन इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ कि आपको बिल्कुल वाजह नज़र आए, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ जी ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर ऊपर इसकी मेन्यू बार आ गई। मेन्यू बार में सबसे पहले आता है जी इसके आप किस तरफ का, यानी कि बने बनाए आपके पास शेडोज़ हैं कि आप किस तरफ इस शेडो को रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ अगर यहाँ से रखना चाहता हूँ तो ये देखिए ये आपके नीचे यहाँ पर शेडो बनकर आ गया। अगर मैं इसको यहाँ रखना चाहूँ तो यहाँ पर रख सकता हूँ, यहाँ रखना चाहूँ तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर इस तरफ रखना चाहूँ तो इस तरफ रखना चाहता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ जी मैं मैनुअली ख़ुद यानी कि अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू यानी कि ड्रॉप शेडो को सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो इसे मैं खुद पर खुद भी कर सकता हूँ, ठीक है। के लिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, देन इसको दोबारा क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके बना लेता हूँ, ठीक है, कि जब हम इसके ऊपर पैर सबके ऊपर पड़े तो ये मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाए, ठीक है। ये मैंने एक ड्रॉप शैडो लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसकी मेन्यू बार को मैं देखूँ, ठीक है, तो इसकी मेन्यू बार में आपके पास यहाँ पे एंगल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो वो मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा, ठीक है, वो ज़्यादातर आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके इसको येलो कलर दे देता हूँ, और उसके बाद अगर मैं शेडो को करता हूँ तो ये देखिए अब ये मेरे पास यहाँ पर अलाउ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के साथ मैनुअली भी कर सकते हैं, और अगर आप खुद देना चाहते हैं किसी भी तरफ, यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी के साथ यहाँ पर आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके इसको अपनी मर्ज़ी का अलाउ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इसको बता रहे हैं जी कि आप इसके ड्रॉप शेडो ऑफ साइड कर सकते हैं, यानी कि इसको चढ़ाई या लंबाई की तरफ इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, नीचे से आप हाइट इसकी ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि इसको ऊपर की तरफ करना है या नीचे की तरफ आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स अगला फंक्शन आपके पास आ जाता है, अगर मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लूँ तो ये आ जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ड्रॉप शेडो एंगल यानी कि कितने एंगल पर आया आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको 90 के एंगल पर रख लेता हूँ तो ये देखिए ये 90 के एंगल पर चला गया, ठीक है। 180 के एंगल पर कर दूँगा तो ये 180 के एंगल पर आ जाएगा, और उसके बाद ये मेरे पास कुछ ज़्यादा एंगल पर था तो मैं इसको उतने पर ही करता हूँ कि ये मेरी जगह पर आ जाए, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर लेकर आता हूँ इस ब्लैक डॉट्स के ऊपर पकड़ के, तो ये देखिए 358 का एंगल आ गया इसके ऊपर। और उसके बाद शेडो स्ट्रेच से आप क्या कर सकते हैं जी कि इसकी शेडो की जो स्ट्रेचिंग है वो आप ज़्यादा या कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए यानी कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए। जैसे एक यानी कि आपके पास होता है ना इलास्टिक, तो उसको आप स्ट्रेच करते हैं यानी कि खींचते हैं तो उतना ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं जितना चाहें,
ठीक है, तो जितना चाहें आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगला आपके पास आता है शेडो फेड, कि आपके पास इसकी फेड कितनी होनी चाहिए। अगर मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो ये देखिए ये हल्का होता जाएगा, ठीक है, और अगर मैं इसको ज़ीरो पे कर दूंगा तो ये इसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, ये इसको फेड कर देता है, यानी इसकी जो साइडें होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर इनके कलर को परफेक्ट डालता है ये, ठीक है। तो अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो इसकी यानी कि ये जो कलर है इसका कम होता जाएगा, और अगर आप इसको ज़ीरो पे रखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आ गया व्यूअर्स ओपेसिटी। तो ओपेसिटी के दो तरीके होते हैं, एक तो आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कर सकते हैं कम ज़्यादा। अगर मैं इसकी फुल ओपेसिटी कर देता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया, डार्क हो गया, और अगर मैं इसकी ओपेसिटी को अगर बहुत ज़्यादा कम कर दूँ तो ये देखिए 9 पे जाके ये बिल्कुल नज़र आना ही बंद हो गया, 36 वगैरह पे नॉर्मल आई है, और अगर मैं 50 के करीब ले जाता हूँ तो इसके ऊपर आ गया। और इसकी ओपेसिटी को आप यहाँ से भी व्यूअर्स कम कर सकते हैं, जो आपको ये रूलर नज़र आ रहा है, ठीक है, आप इसके ऊपर से भी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चेंज होगी आपको ये चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से अगर चेंज करूँ तो ये देखिए ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। और उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है जी फेदरिंग। फेदरिंग होती है जी इसके किनारे, कि अगर इसके किनारे को आप कितना ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हैं और कितना ज़्यादा शार्प करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको ज़्यादा किए जाऊँगा तो ये स्मूथ होता जाएगा, ठीक है, और अगर मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाऊँगा तो ये देखिए ये इतना ज़्यादा डार्क हो जाएगा कि बिल्कुल जैसे हमारे पास ऊपर लिखी हुई है कोई भी राइटिंग स्टाइल, उसी की तरह ये नीचे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स आपके पास होता है जी कि आप इसको फीडरिंग डायरेक्शन, कि आप इसको क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं, इनसाइड, मिडल, आउटसाइड या एवरेज, ठीक है। एवरेज होता है कि अपने आप सेट कर लेता है आपके ऑब्जेक्ट या आपकी किसी भी पिक्चर के मुताबिक खुद का खुद सेट कर लेता है। और अगर इनसाइड, मिडल या आउटसाइड, इन तीनों में से आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो आपके साथ ये साथ वाला यानी कि फैदर एज ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपको लीनियर, स्क्वेयर्ड, इनवर्स, स्क्वेयर एंड फ्लैट, अगर मैं फ्लैट कर देता हूँ तो ये हो गया, स्क्वेयर कर दूंगा तो ये हो जाएगा, और लीनियर वगैरह यहाँ से भी आप इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद व्यूअर्स आ जाता है शेडो कलर। अगर आप शेडो का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, शेडो का जो आपको पसंद है कलर आप वो रख सकते हैं। और अगर आपको इनके अलावा और कलर्स चाहिए, ठीक है, तो आप उसके लिए मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास मैनुअली यानी कि सारे के सारे कलर्स आ जाएंगे। यहाँ से आप जो सा भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मिक्सचर भी है और यहाँ से आपके पास पैलेट्स भी हैं। अगर आप पैलेट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप पैलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, पैलेट्स का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद रिवर्स ये आ जाते हैं जी मूड, ठीक है, मर्ज मूड। तो मूड्स होता है कि आपके पास बने बनाए कुछ मूड्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे मल्टीपल आए तो मैं अगर इसे हुआ कर देता हूँ, ये देखिए इसका स्टाइल चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्ट के मुताबिक यानी कि आपको सेट करना पड़ता है आपके, अभी नाम है तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा, यानी कि अब ये देखिए अगर मैं इसको टेक्सचर कर देता हूँ तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इस तरह से आएगा, कलर कर दूंगा तो इस तरह से आएगा, ठीक है। मल्टीपल कर दूंगा तो यहाँ से आप मूड, अगर इस मूड को आप डिटेल से बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं अपने अडोब फोटोशॉप में मूड्स के बारे में डिटेल से भी बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मूड्स को समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे कोरेलड्रॉ में मूड्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ठीक है। आपके ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक अगर आप मल्टीपल या नॉर्मल रख लेंगे तो ये यूज़ हो जाएगा ईजीली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स आ जाता है कॉपी शेडो प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर आप यही सेम शेडो किसी और ऑब्जेक्ट को भी देना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि जो आपने ओपेसिटी रखी, एंगल रखा, ठीक है, सब कुछ सेट किया एक बार, आपको बार बार सेट ना करना पड़े, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसको यहाँ से कॉपी करवा के अगले एंगल के ऊपर पेस्ट करवा सकते हैं, या आप यहाँ पर इस प्लस के बटन पर ऐड प्रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी नाम देख सकते हैं, मेन्यू का नाम देकर इसको सेव कर दूंगा, तो यहाँ प्रीसेट में आप लास्ट में आएंगे तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं अगले किसी को भी चूज़ करके अगर आप ये दे देता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल ये वही वाला शेडो इसके ऊपर यानी कि ड्रॉप कर देगा। तो इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है व्यूअर्स के, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये यानी कि शेडो नहीं चाहिए, अगर आपने किसी चीज़ को शेडो लगा दिया लेकिन लगाने के बाद आप मुतमिन नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं ये शेडो को बगैर ज़्यादा अच्छी ये चीज़ लग रही थी, तो यहाँ से आप क्लियर ड्रॉप शेडो को क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद व्यूअर्स अगर आप ठीक है, मैं उसमें हल्का सा शेडो देकर इस पर आएंगे क्विक कस्टमाइज, इसके ऊपर क्लिक करके आपके पास अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ से चेक मार्क लगाएंगे तो ये देखिए ऑप्शन चले भी जाएंगे, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से आपके पास ख़त्म भी होते जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इनके ऊपर चेक मार्क लगाते जाएंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास वापस भी आते जाएंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन ना हो तो आप यहाँ से ये ऑप्शन वापस ला सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद व्यूअर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई कि अगर मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ फिलहाल, तो अगर मैं इसके ऊपर यानी कि मैंने एक शेडो क्रिएट किया है, ठीक है, तो अगर मैं इसमें एक मुख्तलिफ स्टाइल बनाना चाहता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी जो मेरा ये नाम है, ठीक है, जो मैंने राइट किया था, खुद लिखा था, ये ख़त्म हो जाए और सिर्फ मैं शेडो को यूज़ करूँ, तो आप शेडो को इससे अलग कर सकते हैं वो किस तरह से कि आप ऑब्जेक्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पर ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप या पैरल कंट्रोल के इसकी शॉर्ट की है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे या कंट्रोल के करेंगे तो आपका ये सॉरी कंट्रोल सेट में करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये देखिए आपके पास ड्रॉप शेडो अलहदा हो गया और नाम आपका अलहदा हो गया। मैं उसे डिलीट कर देता हूँ और ये देखिए ड्रॉप शेडो मेरे पास आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको जिस तरफ मर्जी रोटेट वगैरह करवा के इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये था व्यूअर्स ड्रॉप शेडो। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपका मसला हल कर दिया जाएगा, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।